हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए जो है इस वीडियो में खास तौर पे मैं उन सभी स्टूडेंटों के लिए लेके आया हूँ जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। जी हाँ, मैं दोस्तों आप लोगों के लिए बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जिनके लिए कोई बात नहीं करना चाहता, और वो है आईटीआई वाले स्टूडेंट। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में खास आईटीआई वालों स्टूडेंटों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ कि अपकमिंग रेलवे में जो वैकेंसी आने वाली है, रेलवे में जो है आपका एएलपी का और टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आने वाला है, उसमें जो है आप अपने आप को कैसे जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप उसकी प्रिपरेशन जो है कैसे कर सकते हैं। तो आइए इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में पूरी फुल डिटेल बताऊंगा, और पूरा फुल डिटेल जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चैनल पे अगर आप लोग नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, और आपके इंपोर्टेंट के लिए हो, अगर आपके कैरियर के रिगार्डिंग ये वीडियो हो तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर देते जाइएगा, क्योंकि एक लाइक आपका, एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट कर सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आ रहे हैं, पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, ये तो बात हुई हमारे चैनल की सब्सक्राइब करने की, और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस रेलवे में जो वैकेंसी आने वाली है, अपकमिंग वैकेंसी के बारे में मैं पूरी फुल डिटेल आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो मैं आप लोगों को पूरा एक एक करके सारी चीजें जो है मैंने यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहला जो है आप देख रहे हैं रेलवे टेक्नीशियन, यानी जो भी रेलवे का टेक्नीशियन का जो है अपकमिंग जो वैकेंसीज आने वाली है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। रेलवे के टेक्नीशियन के वैकेंसीज के लिए जो है मैं बातें कर रहा हूँ। तो आप लोगों को पता है कि जो भी बच्चे रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं, इसका पिछले वाले रेलवे का जो है कब एग्जाम हुआ था, कब जो है आया था, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल जो है बताने वाला हूँ। पिछली अगर वैकेंसी की हम लोग बात करें तो पिछला वैकेंसी जो है आया था 2018 में, क्योंकि आपको भी पता है कि रेलवे की जो वैकेंसीज होती है वो हर एक 2 साल 3 साल पे जो है आती है। तो पिछली जो वैकेंसी आई थी वो 2018 में वैकेंसीज आई थी, और जिसमें आप लोगों को करीब करीब 66,000 वैकेंसी जो है आप लोगों को एएलपी और टेक्नीशियन का जो है वैकेंसीज आया था। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वाला, यानी ये तो पिछली जो बात चल गई है यानी जो बीत चुकी है उसकी बातों को दोहरा के हमें कोई फायदा नहीं है। अभी जो प्रेजेंट में, यानी जो 2020 वाला सेशन है, जो 2022 वाला सेशन है, इसमें कब आ सकती है और कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो 2022 के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 60,000 जो है वैकेंसीज आने की संभावना है, 60,000 वैकेंसीज जो है आ सकती हैं। अब ये 60,000 वैकेंसीज कैसे होगा और आपको आगे क्या क्या करना होगा, तो मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें एज लिमिट जो होता है वो क्या होता है, तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट जो होगा मेरे दोस्त, वो होगा कि आप 18 से लेके 30 साल के अंदर हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जर्नल वालों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ 18 से 30। ओबीसी वालों के लिए जो है 3 साल छूट मिल जाती है, और एससी एसटी हैं तो उनको 5 साल और भी छूट मिल जाती है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं कि इसमें आपसे क्या क्या चीजें जो है मांगता है, क्वालिफिकेशन जो है आप लोगों को क्या क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आप लोगों को 10+ ITI, यानी जो पहला कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, 10+ में ITI या 10+ में आपका अप्रेंटिसशिप। ये दोनों अगर आपके पास डिग्री है तो आप एएलपी और टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी जो क्वालिफिकेशन होती है डिप्लोमा, जो 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, बीटेक जो होता है आपका 4 ईयर का होता है, तो इसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले भी जो है अप्लाई करते हैं, और इसमें 10+ ITI+ में अप्रेंटिसशिप वाले जो बच्चे होते हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे जरा हम लोग बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन जो मेथड होता है, सिलेक्शन यानी अब टेक्नीशियन में जो है हम लोगों को क्या क्या होती है। तो टेक्नीशियन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि टेक्नीशियन में भी जो है वैकेंसी जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टेक्नीशियन का वैकेंसी जो होता है 10+2 वाले पीसीएम वाले बच्चों का होता है। पीसीएम का मतलब हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, यानी जो 10th के बाद 10+2 करते हैं, है ना। 10+2 का मतलब आम भाषा में बोला जाए तो जिसे हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं, और इंटरमीडिएट कहते हैं या 10
प्लस टू ही बोला जाता है बेसिकली, तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट भी कहते हैं। बिहार वाले बच्चे सबको पता है कि अगर हम लोग 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं करते हैं तो उसे हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। और इसमें आईटीआई वाले भी बच्चे भर सकते हैं। अब इसमें आईटीआई वाले कौन से स्टूडेंट जो है अप्लाई करेंगे, मैं आप लोगों को टेक्नीशियन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें आईटीआई के वो स्टूडेंट जो है अप्लाई करेंगे जो बच्चे आईटीआई 12th पास होके जो है आईटीआई कर रहे हैं, यानी 12th पास करके उसके बाद जो है वो आईटीआई कर रहे हैं, वो बच्चे जो है आप जो है ईएलपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन बच्चे? जो 10+2 करके आए हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमने तो 10th किया है और उसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी का भी एग्जाम दिया है, तो क्या हम टेक्नीशियन का भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। इसमें क्या बोला है, आपको 10th पास होना चाहिए और 10th पास होने के बाद आईटीआई होना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे 10th पास होते हैं, 10th पास करके अगर आप 12th पास किए हैं और 12th पास करके अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपको जो आईटीआई जो होगा वो लेटेंट एंट्री होता है, लेकिन शायद ये 2 साल का ही होता है मेरे ख्याल, तो ये 2 साल आपको देना पड़ेगा। तो मिलाजुला के बात अगर देखा जाए तो एक डिप्लोमा का जो होता है ईयर वो आपको इसमें लग जाता है। इस वजह से आपको 10+2 करने के बाद आईटीआई भी होना चाहिए। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि भैया हम सिलेक्शन जो होगा हमारा वो कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो है क्या क्या होता है, कैसे हम लोग का सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन के लिए आप लोगों को बताऊं कि इसमें 2 एग्जाम होते हैं। पहला जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं CBT-1। अब CBT-1 क्या होता है? CBT-1 का मतलब हो गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जो कि कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसकी अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन जो होता है आपके पास 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो 60 मिनट का टाइम होता है और निगेटिव मार्किंग मेरे दोस्त होती है जो कि 1/3 होती है, जो कि रेलवे भाई रेलवे में ही ऐसा 1/3 है, और जगह कोई सा भी आप एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिएगा वहां पे 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन रेलवे में जो होता है 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। अब इसमें देखो क्या क्या पूछा जाता है, 75 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट का समय रहेगा और 60 मिनट में आपको अगर गलत कीजिएगा तो 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ये मैं CBT-1 के लिए बातें कर रहा हूँ। इसमें आपको मैथ के जो है 20 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के जो है आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और GS के आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो मैं आपको एक दिन और मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं आप लोगों को इनमें से जो है ये 20 और ये जो है 25, यानी 20 और ये 25 जो नंबर है भाई साहब, ये 45 नंबर का काम जो है मैं आप लोगों को इसी चैनल पे करके देने वाला हूँ। वो ALP की वैकेंसी हो या SSC की कोई सी वैकेंसी हो या टेक्निकल कोई सा भी वैकेंसी हो, आपको भाई साहब उसमें रीजनिंग पूछता ही पूछता है, क्योंकि रीजनिंग एक बहुत बड़ा दमखम रखता है। एक चपरासी ग्रेड से लेके हायर ग्रेड के जो एग्जाम होता है उसमें भाई ये पूछता ही पूछता है, तो आप लोग बिल्कुल दीजिएगा ये। उसके बाद जो होता है एक CBT-2 होता है। CBT-2 क्या होता है? इसमें 2 तरीके का एग्जाम होता है, मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। CBT-2 जो होता है 2 तरीके का होता है। पार्ट ए होता है 90 मिनट का, सेम आपको मैथ रीजनिंग सब कुछ मिलेगा। पार्ट बी में जो होगा ट्रेड संबंधित होगा, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन 60 मिनट का क्वालिफिकेशन जो है 35 नंबर लेके ही आना है। अगर आप 35% से कम लाते हैं तो आपका सिलेक्शन उसमें नहीं होगा। और CBT-2 में आपको 15 गुना स्टूडेंट को जो है बुलाया जाता है, 15 गुने स्टूडेंट जो है आके इसमें क्वालिफाई करते हैं। तो ये पूरा लेखा जोखा जो था, उसके बाद जो है एक साइको टेस्ट भी होता है, जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं उनको एक साइको टेस्ट देना होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत इसमें आए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इसके ऊपर और भी वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि इसके रिगार्डिंग मैं और आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ और उसमें आपको प्रॉपर पूरी जानकारी मैं दूँ। मैं आप लोगों को जैसे वादा किया था कि मैं आपको मैथ और रीजनिंग पूरा कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में, नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।